हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं लाइव सेशन में कुलदीप स्वागत करता हूँ आप सभी का। और हम सभी आज लाइव आ चुके हैं, तो कल मैं सेशन नहीं ले पाया था, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। तबीयत ख़राब होने की वजह से आप लोग जल्दी जल्दी ऑनलाइन आ जाइए, और अगर आप लोगों को आवाज़ आ रही है तो मुझे बता दीजिए, फिर हम अपने सेशन को शुरू करेंगे। तबीयत कई दिनों से ख़राब चल रही है, तो आप लोग ऑनलाइन आ जाइए। आप लोग वो वीडियो अगर ये अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर सकते हैं। ये जो मॉक टेस्ट है, हमारा मॉक टेस्ट नंबर 13 है। और बच्चे कह रहे थे कि सर, टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर आप मॉक टेस्ट करवाना शुरू कर दीजिए। तो आज ये जो मॉक टेस्ट हम करने वाले हैं, ये टीचिंग मेथडोलॉजी के ऊपर ही है, ठीक है। तो इसमें हम टीचिंग मेथडोलॉजी से रिलेटेड करीब करीब 30-35 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, और हम जानेंगे कि इनके आंसर्स कौन से सही हैं और कौन से नहीं हैं। अगर जो सही है तो वो क्यों सही है, और जो गलत है तो वो क्यों गलत है, ठीक है। तो आई होप ये लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। नमस्ते जी। और लोगों को ऑनलाइन आने देते हैं, फिर अपने सेशन को शुरू करते हैं। मेरी अभी ज़्यादा लोग ऑनलाइन नहीं आए हैं, उनको लगा होगा कि सर की अभी तबीयत ख़राब है तो वो नहीं आएंगे। अच्छा, 5 लोग ऑनलाइन आ चुके हैं, तो चलिए हम सेशन को शुरू कर देते हैं। नमस्ते मैम। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। अच्छा मैम, श्वेता भारद्वाज मैम, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इज स्किल ऑफ। प्रीति शर्मा, हेलो मैम। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग स्किल है अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सिंबल्स, हीरो वर्शिप इन अडल्ट्स एंड पीरियड डेवलपिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, नन ऑफ दीज। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी कि अमूर्त चिंतन को हम क्या कहेंगे? इनमें से कौन से ऑप्शन को आप एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग के अंडर में रखेंगे, कि कौन सा इनमें से अमूर्त चिंतन है, अमूर्त चिंतन का कौशल है? यस, वेरी गुड। इसका आंसर है ए, ठीक है। इट्स ए, अंडरस्टैंडिंग एंड यूजिंग कॉन्सेप्ट्स एंड सिंबल्स। जब ये प्याजे की लास्ट स्टेज है, जिसको फॉर्मल स्टेज कहते हैं, 11 से 15 की उम्र में या 11 से ऊपर की जब इसको मान लेते हैं, जब बच्चा अमूर्त चीज़ों को समझने लग जाता है, अमूर्त चीज़ें मतलब जो दिखाई नहीं देती हैं, उन कॉन्सेप्ट को जब वो डेवलप करने लग जाता है, सीखने लग जाता है, तो उसको हम एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कहते हैं। और जब बच्चा कॉन्सेप्ट को समझने लग जाए और सिंबल्स को यूज़ करने लग जाए, तो आप समझ लीजिए कि वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग का यूज़ कर रहा है। यस, इसका आंसर ए होगा। आगे चलते हैं। अ राइट सीक्वेंस ऑफ साइंटिफिक मेथड इज। साइंटिफिक मेथड का इनमें से कौन सा सीक्वेंस सही है? ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन, वेरिफिकेशन। बताइए इनमें से कौन सा आपका आंसर सही है। तो देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देंगे। अच्छा, किसी ने कहा है बी, किसी ने कहा है 4। और देख लेते हैं और लोग क्या आंसर देते हैं, और लोगों का आंसर देख लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आंसर है इसका सही। यस, वेरी गुड। अगेन प्रीति शर्मा का आंसर बिल्कुल ठीक है, ए, ऑब्जर्वेशन, क्लासिफिकेशन, जनरलाइजेशन एंड वेरिफिकेशन। अब देखिए यहाँ पे जनरलाइजेशन लास्ट में क्यों नहीं आएगा, ये समझ लीजिए, ठीक है। कुछ लोग वेरिफिकेशन और जनरलाइजेशन में कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। जनरलाइजेशन का मतलब क्या होता है, सामान्यकरण कर देना। जब हम साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हैं, तो एक जनरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जब आप एक सामान्य रूल पर पहुंचते हैं पर नहीं, इसका ये सीक्वेंस यहाँ पे गलत हो जाएगा। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, फिर क्लासीफाई करते हैं चीज़ों को कि कौन से हमारे काम की है, कौन सी नहीं है, फिर हम एक जनरलाइजेशन, एक जनरल रूल पर पहुंचते हैं, और फिर हम उसको सिचुएशन में वेरीफाई करते हैं, ठीक है, कि क्या हमने जो चीज़ निकाली है वो ऑथेंटिक है, वेरीफाई की जा सकती है कि नहीं की जा सकती है। तो साइंटिफिक जो अप्रोच है वो इस तरीके से चलती है। आप जिस अप्रोच को बता रहे हैं कि जहाँ पे जनरलाइजेशन आखिरी में आता है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में आएगा। और जब आप साइंटिफिक अप्रोच की बात करते हैं, तो पहले आप किसी प्रिंसिपल को बनाते हैं, फिर उसको आप वेरीफाई करते हैं,
समझ आई बात। जितने भी ये साइंटिस्ट होते हैं, कोई भी खोज करते हैं, तो पहले ये एक जनरल प्रिंसिपल बनाते हैं, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करके वेरीफाई करते हैं, समझ आई। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड में जनरलाइजेशन जो चीज़ है वो लास्ट में आती है, और साइंटिफिक मेथड में वो चीज़ थर्ड नंबर पे आएगी, जब एक जनरल प्रिंसिपल से पूछने के बाद आप उसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। डिसिप्लिन इन क्लास इज बेस्ट इंश्योर्ड व्हेन, डिसिप्लिन को हम कब मानेंगे कि क्लास में पूरी तरीके से डिसिप्लिन है। द टीचर मेक्स इफेक्टिव यूज ऑफ टीचिंग एड्स, स्टूडेंट्स आर इक्वल पार्टनर्स इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर इज श्योर ऑफ हिज नॉलेज, द लेसन हैज प्लेंटी ऑफ ह्यूमर। यस, इट्स बी, इट्स बी, ठीक है। जब सभी स्टूडेंट्स अच्छे से, जब सभी स्टूडेंट अच्छे से सहभागिता दिखा रहे हैं, अपनी पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, तो हम उसमें कहेंगे कि हाँ, जो बच्चे हैं डिसिप्लिन में है, वो डिसिप्लिन में है, तभी आपकी इफेक्टिव टीचिंग में वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। गुड एजुकेशन इज दैट विच हेल्प्स स्टूडेंट टू, अच्छी शिक्षा हम उसको कहते हैं जो विद्यार्थी को किस चीज में हेल्प करे। रियलाइज द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस, जो अपनी योग्यताओं और सीमाओं के बारे में जानकारी दे। एक्वायर एक्सपर्टीज इन सम पर्टिकुलर एरिया, जो किसी खास चीज पे आपकी कमांड करवा दे। बिकम अवेयर ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजंस, एक्ट अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ सिचुएशन। अच्छा, लोगों ने डी कहा है। एक्चुअली जो इसका आंसर है वो ए है। नो, इट्स नॉट डी एक्चुअली, इसका जो आंसर आपका होगा वो ए होगा। जब गांधी जी ने कहा था कि बच्चे के मन से, शरीर से, तन से, मन से, है ना, जो भी वो एक्सप्रेस करना चाहता है, ए भी हो सकता नहीं, ए ही है इसका आंसर। रियलाइज द कैपेबिलिटीज एंड लिमिटेशंस, देखिए जब हम क्या करते हैं, आपको ये तो पता होगा कि एजुकेशन का जो मोटिव होता है, जो मेन पर्पस होता है, जो एम लेकर के एजुकेशन चलती है, वो ये लेकर चलती है कि भाई हम बच्चे को अभिव्यक्त करने का मौका दे, उसके शरीर से, तन से, मन से, जो भी वो अभिव्यक्त करना चाहता है, ठीक है, उसको अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है, ठीक है। तो जब बच्चा उसको अभिव्यक्त करेगा तो वो अपनी कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस को जानेगा, ठीक है, कि उसमें क्या योग्यताएं हैं, वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है, इसी को तो अभिव्यक्ति कहते हैं ना। जब हम किसी चीज में पार्टिसिपेट करते हैं, पोएम जब हम लिखते हैं या कोई गाना गाते हैं, तो हमें पता रहता है कि हमारी क्या रैंक आई है, हम किसी से कितने आगे या कितने पीछे हैं, तो उसी से हमें अपनी कैपेबिलिटी और अपनी लिमिटेशंस का पता चलता है। जब हम एग्जाम देते हैं कोई KVS का, जिसे हमने एंट्रेंस दिया, तो हमारी जो रैंक आई उस हिसाब से हमें पता चला कि हमसे कितने लोग आगे हैं और हम कितने लोगों से पीछे हैं, ठीक है। उन्होंने हमें अपने आप को अभिव्यक्त करने का मौका दिया, ठीक है, समझ आई बात। चलिए आगे चलते हैं। इफ एनी चाइल्ड आस्क्स अ क्वेश्चन इन एग्जामिनेशन हॉल देन यू विल, अगर आपसे कोई बच्चा क्लासरूम के अंदर क्वेश्चंस पूछ लेता है तो आप क्या करोगे, आप उसको आंसर बताओगे, इग्नोर करोगे, एग्जाम रूम से बाहर निकाल दोगे और डेट डांट लगाओगे। देखते हैं फटाफट कितने लोग क्या आंसर देते हैं। सी, पंचन सिंह का आया है, उसे एग्जाम रूम से बाहर निकाल देंगे। बट प्रीति शर्मा मैम इज राइट, वी विल इग्नोर हिम। एज ए टीचर हम बच्चे से कोशिश करते हैं कि ऐसी कोई सिचुएशन हम क्रिएट ना करें जहाँ पे हमें उसे नेगेटिव वे में या पनिशमेंट देनी पड़े, या कोई ऐसी नेगेटिव हम बात उसको कहे जो उसकी उसके डेवलपमेंट में बाधा डाले, बैरियर बनाए, ठीक है। हमें वो चीज़ें कभी भी यूज़ नहीं करनी है। तो इनमें चीज़ हमें सोचो कि सबसे कम जो कम नुकसान पहुँचा रही हो उस बच्चे को, और जो ऑथेंटिक हो, जेंटल हो, शिष्टाचार के रूप में, कि हम अपनी ड्यूटी से भी कोई गद्दारी ना करें और उसमें बच्चे का कम से कम नुकसान हो। अगर आपने आंसर बता दिया तो आप अपनी ईमानदारी खो चुके, तो आप टीचर नहीं हैं।
बाहर निकाल दिया तो आपने बच्चे का ज़्यादा नुकसान कर दिया, और डांट तो आप सकते ही नहीं, तो आप इग्नोर करोगे। समझ आई बात? चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ मोटर डेवलपमेंट, यानी गति कौशल का, गत्यात्मक विकास का, जब हमारे हाथ पैर उंगलियां चलती हैं, इनमें से कौन सा उसका उदाहरण नहीं है? आई मूवमेंट, वोकलाइजेशन यानी कि स्वर उच्चारण, बोलना, टीथ अपीयरेंस एंड डांसिंग। यस प्रिया डबास, वेरी गुड, इट्स सी। यस इट्स सी, ठीक है। दांतों का दिखना, दांतों का अपीयर होना, ठीक है, ये हमारे मोटर डेवलपमेंट के अंडर में नहीं आएगा। आई मूवमेंट, अपनी आंखों को हिला रहे हैं या पुतले को हिला रहे हैं, ये मोटर डेवलपमेंट है, क्योंकि बच्चे का ये होता है, ऊपर देखता रहता है, वो रोटेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। डांसिंग भी आपका मोटर डेवलपमेंट में आता है, और वोकलाइजेशन भी, ठीक है। तो टीथ अपीयरेंस आपका नहीं आएगा इसमें। चलिए आगे चलते हैं। गिविंग फीडबैक अबाउट प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स विल मेक देम, अगर हम बच्चों को उनकी प्रोग्रेस का फीडबैक देते रहते हैं तो वो बच्चों को क्या बनाएगा? खुश करेगा, उनको बेटर करने के लिए प्रेरित करेगा, डिस्करेज करेगा मतलब हतोत्साहित करेगा, या उनको रेगुलर बनाए रखेगा? यस वेरी गुड, डू बेटर। आपने देखा होगा जब हम कॉपी चेक करते हैं एज अ टीचर, जब हम क्लासरूम में कॉपी चेक करते हैं, अगर किसी बच्चे ने थोड़ी सी भी कोशिश की होती है और अगर हमें लगता है कि इसने ठीक किया है, तो वहाँ पे हम सेंटेंस लिखते हैं। जो बच्चे बहुत ही ज़्यादा अच्छा करते हैं, वहाँ पे लिखा होता है एक्सीलेंट, ठीक है, कि भाई इसका तो कोई तोड़ ही नहीं है। और जो बच्चे ठीक हैं, जिनको हम फीडबैक दे रहे हैं, हम यूज़ करते हैं कैन डू बेटर, है ना, कैन डू बेटर, मतलब हम उनको फीडबैक दे रहे हैं इस उम्मीद के साथ कि ये आगे और अच्छा कर सकता है। समझ आई? जब हम किसी को पॉजिटिव फीडबैक देते हैं तो वो बच्चा हैप्पी खुद ब खुद हो जाएगा, तो इसीलिए जो ये हैप्पी है वो इसका आंसर नहीं आएगा। समझ आई? कहते हैं ना, कॉम्प्लीमेंट किसको अच्छे नहीं लगते। जब आप किसी को कोई कॉम्प्लीमेंट करते हो, तारीफ करते हैं, जो लड़कियों को बहुत पसंद है, चाहे वो झूठी क्यों ना हो, तो वो उनको खुश कर देता है, ठीक है। बट प्रैक्टिकल वे में देखें, अगर आप किसी बच्चों को बोलो कि बेटा आपने अच्छा, अब ठीक आ रही है आवाज, अच्छा आवाज सबको क्लियर आ रही है कि नहीं आ रही है ये बता दो। आवाज क्लियर है? ठीक है, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब आप किसी बच्चे को फीडबैक देते हैं तो आप उसकी नोटबुक में कई बार लिख देते हैं कैन डू बेटर, है ना। उसका मतलब ये होता है, हम बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि बेटा आपने जो किया है वो अच्छा है, वो और ज्यादा अच्छा हो सकता है। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस योर बिहेवियर मोस्ट, इनमें से कौन सा फैक्टर आपके बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करता है सबसे ज्यादा? सोशल नॉर्म्स, पर्सनल एस्पिरेशंस, फाइनेंशियल गेन या साइंटिफिक इन्फेरेंसेस? किसी बच्चे ने अब तक ठीक जवाब नहीं दिया है। इट्स डी एक्चुअली। जब आप अपने बिहेवियर को, आपके बिहेवियर को सबसे ज्यादा जो इन्फ्लुएंस करता है वो आपका साइंटिफिक इन्फेरेंसेस होता है, कि आप किस तरीके से सोचते हैं, आपकी साइंटिफिक एटीट्यूड कैसी है, आप किस तरीके से चीज़ों को मैनेज करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, कल्टीवेट करते हैं, सोल्व करते हैं। समझ आई? आप जब सोचेंगे इसको तो आप अपने आप समझ जाएंगे। देखिए क्या है कि
बिहेवियर को मोस्टली इन्फ्लुएंस करना, तो वो किस वे में करेगा कि आपकी जो मेंटेलिटी है वो कितनी गेन हुई है, किस तरीके से हुई है, समझ आई ना। अगर आप मेंटली स्टेबल है, बहुत अच्छा सोच सकते हैं, बहुत ऊपर जा करके सोच सकते हैं, यानी साइंटिफिकली सोच सकते हैं, आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, आप लॉजिकल थिंकिंग कर सकते हैं, तो आप में सोसाइटी सोशल नॉर्म्स खुद ब खुद आ जाएंगे और आप अपनी सोसाइटी में खुद ब खुद एडजस्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अब ये समझ में आ गया होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज शुड बी गिवन लेस इंपॉर्टेंस बाय अ टीचर, बताइए कि इनमें से हम किस चीज को सबसे कम इंपॉर्टेंस देंगे एज अ टीचर। टॉलरेंस यानी कि सहन शक्ति, कोऑपरेशन यानी कि सहयोग, कंपटीशन मतलब प्रतियोगिता, नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा। हम इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट किसको देंगे? सी, यस, इट्स कंपटीशन। हम कंपटीशन को सबसे कम इंपॉर्टेंस देंगे। टॉलरेंस संयम हमने होना चाहिए, प्राइमरी सेक्शन में आपको पता हो कि बच्चों में भी होना चाहिए, और सहयोग होना चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए। पर जो कंपटीशन की भावना है कि एक दूसरे से आगे निकलना है, इसको पीछे छोड़ना है, उसको पीछे छोड़ना है, इसके गिराना है, इसको गिराना है, ये जो भावना है ये हम बच्चों में उत्पन्न नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक टीचर जो है, ऑल्दो आजकल सिनेरियो ऐसा है कि हमें बच्चे को कंपटीशन के लिए तैयार तो करना है, पर एज अ टीचर प्रैक्टिकल वे में अगर हम देखें तो जो कंपटीशन है वो कई मामलों में हमारे लिए हानिकारक हो जाता है। अगर ऐसा ना होता तो कोटा राजस्थान, जो कि कोचिंग हब है पूरे भारत का, वो एक सुसाइड करने वाले लोगों का हब नहीं बनता। वहाँ पे लोग सक्सेसफुल भी उतने ही होते हैं और आत्महत्या भी उतनी ही करते हैं, है ना, क्योंकि सिर्फ कंपटीशन की वजह से। तो एज अ टीचर आप कंपटीशन को कम इम्पोर्टेंस देंगे। लाइव सेशन रोज 5 बजे होता है, जो लोग नए आए हैं वो सुन लीजिए। कल मेरी तबीयत खराब थी, मैं कल सेशन नहीं ले पाया था। हाँ, मैं लास्ट आगे से कोशिश करूंगा कि मैं लास्ट इयर्स के क्वेश्चंस उठा करके आप लोगों को वो सॉल्व करवा दूं, ठीक है। तो उसमें ओपन डिस्कशन हो जाएगा, तो जो लोग आए हैं वो सुन लो। रोज 5 बजे लाइव सेशन होता है शाम को, जो भी स्टूडेंट पुराने हैं उनको पता होगा। अकॉर्डिंग टू वेटवुड, डार्विन, गॉल्टन, फैमिली स्टडी, हेरिडिटी, इन्फ्लुएंस, जो हेरिडिटी और एनवायरमेंट में जो रिलेशन है वो अनुवांशिकता जमा वातावरण है, अनुवांशिकता गुणा वातावरण है, यस इट्स बी मल्टीप्लीकेशन। की हेरिडिटी और एनवायरमेंट को मल्टीप्लाई करके जो बनेगा वो आपका रिलेशनशिप होगा आपके डेवलपमेंट के लिए, मल्टीप्लाई करके, प्लस करके नहीं, ठीक है। चलिए, सब बच्चों का ठीक जवाब है ये, बिल्कुल। यू सेड माइंड ऑफ चाइल्ड इज तबूला रस, हक्सले, हर्वर्ड, लॉक, हर्बर्ट। ये तो आसान है, ये पिछले ईयर का ही है, आई होप आपको पता होगा। यस इट्स जॉन लॉक, ठीक है। जॉन लॉक ने तबूला रसा के बारे में बात की थी, यस। ये एमसीडी का पेपर का है। अच्छा, इन योर ओपिनियन द एम ऑफ एजुकेशन इज टू, आपकी समझ में, आपकी राय में जो एजुकेशन का एम है, उद्देश्य है, वो क्या है? प्रोवाइड द स्टूडेंट्स विद नॉलेज, प्रोटेक्ट देम फ्रॉम इविल्स, यानी स्टूडेंट्स को नॉलेज प्रोवाइड करना, दूसरा है उनको दानवों से सुरक्षित रखना, मेक देम गुड ह्यूमन बीइंग्स, उनको अच्छा आदमी बनाना, गिव देम एन अपॉर्चुनिटी फॉर सेल्फ एक्सप्रेशन, उनको हम अवसर प्रदान कराएं ताकि वो आपको अपनी आत्मव्यक्ति कर सके। यार कहाँ ध्यान है तुम लोगों का, मुझे समझ में नहीं आ रही। सोनिया वाज वेरी गुड, बस एक ही लड़की ऐसी है जिसका अभी तक ठीक जवाब आया है, बाकी सब सी सी बोल रहे हैं। यार प्रीति शर्मा का ठीक आया है, एक सोनिया वत्स का ठीक आया है। श्वेता मैम कहाँ ध्यान है, श्वेता भारद्वाज मैम, ब्राह्मणों में तो ज्यादा दिमाग होता है।
देखो मैंने अभी बताया, बिल्कुल अभी के अभी बताया है कि जो साइकोलॉजिस्ट है, जो हमारे फिलोसफर्स है, चाहे वो इंडियन रहे हो या बाहर के रहे हो, सबने एक बात पे ध्यान दिया है कि भाई सारा ज्ञान बच्चे के अंदर है, आपको बस उसको उसको उससे बाहर निकलवाना है। ठीक है, तो हमारी जो एजुकेशन का उद्देश्य है बस वो सेल्फ एक्सप्रेशन के मौके देना है कि बच्चा बस अपने आप को अभिव्यक्त करे, सीख तो वो खुद भी लेगा, है ना। अब जब अपने आप को आप खुद एक्सप्रेस कर पा रहे हो, आप उस वे में जी पा रहे हो जैसे आप जीना चाहते हो, तो आप उसमें खुश भी हो और एक अच्छे इंसान भी खुद ही बन जाओगे। कहते हैं ना जो बेरोजगार होते हैं यही चोर बनते हैं, है ना। चोरी करना, मर्डर करना कोई लोग सीख के नहीं आते हैं, मजबूरियां करवा देती हैं। और वो मजबूरियां कैसे करवाती हैं कि भाई उनको एक्सप्रेस करने का मौका नहीं मिला, चाहे वो कंडीशन कोई भी हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही हो, सोशली कोई प्रॉब्लम रही हो, कुछ भी रहा हो, है ना। तो हम किसी को जब एक्सप्रेस करने का मौका देते हैं कि भाई वो जो सीखना चाहता है, वो जो बताना चाहता है, जैसे वो करना चाहता है, हम उसको करने दें। ठीक है, इस तरीके से हम जो सेल्फ एक्सप्रेशन है यानी कि आत्म अभिव्यक्ति के जो मौके हैं, अगर हम वो ज्यादा देंगे बच्चों को, तभी हम ये कह पाएंगे कि हम जो अपनी एजुकेशन है उसका उद्देश्य पूरा कर पा रहे हैं। आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। समझ में आ गई सभी को? अगर आ गई तो बताओ, फिर मैं आगे चलता हूँ। समझ आई? अब आवाज ठीक है? हेलो, आवाज ठीक है? अब ठीक है, चलो फिर अब शुरू करते हैं। हाँ, मैंने कहा था कि अगर आप किसी बच्चे को मौका दे रहे हो कि भाई आप जैसे सीखना चाहते हो, जैसे आप एक्सप्रेस करना चाहते हो अपने आप को, आप कर सकते हो। ठीक है, आपने उसको मौका दिया। अब क्या है कि अगर आप उस बच्चे को उस तरीके से सीखने के लिए प्रेरित कर रहे हो जैसे वो सीखना चाहता है, तो वो अगर वो चीज़ कर रहा है जो वो करना चाहता है, तो वो अच्छा इंसान खुद ब खुद बन जाएगा, है ना। तो इसलिए टू मेक देम गुड ह्यूमन बींग ये नहीं होगा, ये हमारा सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव होगा। पर पहला हम उसको मौका तो दे, वो करना क्या चाहता है, तभी तो खुश रहेगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। तो इसीलिए जो इसका आंसर है वो डी आएगा। अब जितने बच्चों को समझ में आ गया फटाफट बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ। आ गया समझ में? अरे कहाँ चले जाते हो तुम लोग। ठीक है, इंडिविजुअल लर्नर डिफर फ्रॉम ईच अदर इन, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना। हर जो लर्नर है वो एक दूसरे से अलग है, कैसे? प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, रेट ऑफ डेवलपमेंट, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट एंड जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट। यहाँ पे फंसेंगे बच्चे और यही मैं चाहता हूँ। ठीक है, तो जितने मुश्किल जितने ट्रिकी क्वेश्चंस आप देखेंगे तो तभी आपको पता चलेगा। रोकेश मान भाई बहुत बढ़िया, सोनिया बस बहुत बढ़िया। ठीक है, रेट ऑफ डेवलपमेंट ही आंसर आएगा इसका। ठीक है, मैंने कहा कि जो इंडिविजुअल लर्नर है ना, हर जो व्यक्ति जो अधिगम करता है, ठीक है, वो एक दूसरे से कैसे अलग है। प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबके लिए सेम है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट सबका सेम होता है, ये भी नहीं होगा। जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट ये सब में होती है, ये भी नहीं होगा।
तो इसका जो आंसर होगा वो रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा, कि ऑल्दो हमारा डेवलपमेंट का जो सीक्वेंस है वो सबका सेम होता है, हम हर आदमी इन्फेंसी से चाइल्डहुड में आते हुए टीनेज में जाकर के अडल्टहुड में जाता है, इट्स अ फैक्ट, बट जो रेट ऑफ डेवलपमेंट होगा उस स्टेज के अंदर वो वेरी करेगा कि भाई किस स्टेज में किस आदमी का मेंटल लेवल किस हद तक जा रहा है और कहाँ तक जा रहा है ना, ये हमारे में वेरिएशंस लेकर के आता है, मतलब कि अलग अलग हमें एक दूसरे से अलग करता है कि वो जो लेवल है डेवलपमेंट का वो रेट जो है वो स्तर जो है वो कहाँ पे जा रहा है, समझ आई मेरी बात। इसीलिए कहते हैं कि एक आदमी पतला हो उसकी हाइट बेशक ना बढ़ रही हो पर उसका जो मेंटल लेवल है वो बढ़ रहा होता है, तो जो रेट ऑफ डेवलपमेंट है वो वहाँ पे एक फैक्टर करेगा, है ना। अब प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सबके लिए सेम है, सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट वो भी सबके लिए सेम है, जनरल कैपेसिटी फॉर डेवलपमेंट वो सब में आ ही जाती है, तो रेट क्या है उस डेवलपमेंट का, आपने देखा होगा ना किसी उम्र में सेम उम्र में रहने वाले लोग कुछ किसी का मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा बड़ा ज़्यादा ऊपर होता है किसी का नीचे होता है, तो वहाँ पर जो ये वेरिएशन है वो रेट ऑफ डेवलपमेंट की वजह से आती है, विकास का स्तर, ठीक है। चलिए, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट शुड बी, अब यहाँ पे देखते हैं कितने बच्चे सही जवाब देते हैं। हम जो असेसमेंट करते हैं, हम जो आकलन करते हैं, उसका जो मेन पर्पज है वो क्या है, उद्देश्य क्या है उसका, टू पॉइंट आउट एरर्स ऑफ द लर्नर्स, के बच्चे क्या गलतियाँ करते हैं उसको देखना, टू द मेजर अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, के लर्नर्स ने क्या अचीव किया उसको मेजर करना, थर्ड टू डिसाइड इफ स्टूडेंट्स शुड बी प्रमोटेड टू नेक्स्ट क्लास, एंड फोर्थ टू डायग्नोज रेमेडी एंड गैप्स इन लर्निंग। तो किसने बच्चों ने कौन सा आंसर दिया है, हुसना बानो, थैंक यू मैम। हुसना मैम आप हमारे यहाँ पे आए हैं, आप लाइव सेशन रोज ले सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन मैंने जानबूझ के कन्फ्यूजन वाला दिया है, देखते हैं कितने बच्चे ठीक देंगे, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का ए आ रहा है, तो आंसर इसका जो होगा वो फिर आप देखोगे वो ये आंसर कैसे हो गया। यस, टू मेजर अचीवमेंट्स ऑफ लर्नर्स, हम जब आकलन करते हैं, आप एक बात मुझे बताओ, हम जब आकलन करते हैं तो हम क्या देखते हैं, मान लो हमने कोई लेसन प्लान पढ़ाया बच्चों को और हमने उनको बताया फाइव लैंड एनिमल्स के बारे में बताया, फिर हमने फाइव, हुसना बानो मैम आप लाइव सेशन रोज ले सकते हैं 5 बजे, थैंक यू वेरी मच, आपने सेशन को अप्रिशिएट किया है, ठीक है। तो हाँ जी, मैं बता रहा था कि देखिए जब हम लेसन प्लान डिलीवर करते हैं क्लासरूम के अंदर, जब हम बच्चे को पढ़ाते हैं, है ना, हमने मान लो 5 लैंड एनिमल्स के बारे में पढ़ाया, 5 वाटर एनिमल्स के बारे में हमने पढ़ाया, फिर हमने बच्चों से पूछा कि आपको कौन कौन से एनिमल्स पता है पढ़ाने के बाद, तो हम ये देख रहे हैं कि उन्होंने कितना गेन किया है, कितना अचीव किया है, समझ आई, कि जो आपका लर्निंग आउटकम है जिसको TLO बोलते हैं, टारगेट लर्निंग आउटकम, ये KVS की टेक्निकल टर्म है, ठीक है, आउटकम को जानने के लिए, इट्स कॉल्ड TLO, टीचिंग लर्निंग आउटकम, क्या आपने जो सिखाया है उसका आउटकम क्या हुआ है और बच्चे ने क्या सीखा है, इट्स कॉल्ड अचीवमेंट, ठीक है। तो वो जब आप असेसमेंट करते हैं ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, तो वो आपको बताती है कि बच्चे ने कितना अचीव किया है, उसके बाद हम डायग्नोज करते हैं कि इसके कारण क्या रहे, कि बच्चे ने अचीव नहीं किया तो क्या नहीं किया, समझ आई। देखो मैं फिर बता देता हूं, मान लो आपने बच्चों से 5 क्वेश्चन पूछे, ठीक है, आपने कहा कि बच्चों ने अगर 5 क्वेश्चन के आंसर सही बता दिए तो मैं उनको 5 नंबर दूंगी, ठीक है। तो बच्चे ने क्या किया, 3 क्वेश्चंस के आंसर सही बता दिए, तो पहले आपने उसकी अचीवमेंट जानी है कि भाई बच्चे ने 5 में से 3 क्वेश्चंस बताए हैं, 3 उसकी अचीवमेंट है, समझ आई। और जो 2 है कि वे 2 क्यों नहीं बताए, फिर आप कारण जानोगे, डायग्नोज करोगे कि कहां लर्निंग गैप आया था बीच में। अब आई बात समझ में, सबको समझ में आ गई तो बता दो, फिर मैं आगे चलता हूं।
या जल्दी जल्दी बता दिया करो एक तो तुम लोग। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ गोइंग फ्रॉम नोन टू अननोन रिजल्ट्स इन टू रीच द राइट कंक्लूजन, टू एक्सप्लेन द बेसिक फैक्ट्स, टू हेल्प इन डिसीजन मेकिंग, टू एस्टिमेट करेक्टली। जब हम एजुकेशनल मैगजीन्स का यूज करते हुए जब हम सभी प्रोसेस को हम करते हैं जब हम एजुकेशनल मैगजीन्स का यूज करते हुए शिक्षण सूत्रों का यूज करते हुए नॉन टू अननोन मतलब जब हम ज्ञात से अज्ञात की ओर जाते हैं तो हम क्या शो करना चाहते हैं, इसका रिजल्ट क्या होता है, हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं तो ये हमें क्या बताता है। तो हम टू एस्टिमेट करेक्टली, नहीं ये इसका आंसर नहीं आएगा, ये जिसने भी पीपीटी बनाई है ये गलत है, ये इसका आंसर टू एक्सप्लेन द बेसिक फैक्ट ये होगा। ठीक है, जब हम नोन से अननोन की तरफ जाते हैं तो हर चीज हमारे सामने हो रही होती है, हर चीज को हम खुद अपनी अपनी नॉलेज से करते हैं, जांचते हैं, तो जो बेसिक फैक्ट्स है उस चीज से जुड़े हुए वो खुद ब खुद क्लियर हम करते हुए जाते हैं। तो एक्सप्लेन बेसिक फैक्ट्स की हम जो शुरू कर रहे हैं वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कैसे हमने किया, उसको यूज करने के लिए हमने क्या क्या फैक्ट्स को यूज किया। अब जैसे मैं मान लूं कि मैं बच्चों को संज्ञा पढ़ाना चाहता हूँ तो संज्ञा से जुड़े हुए मैंने बच्चों को नाम बता दिए, बच्चे उदाहरण से जो जानते हैं जितने भी चीजों को नाम पता है उन सबको यूज करते हुए संज्ञा के बारे में जांच रहे हैं। तो जब वो एक कंक्लूजन पे पहुंचेंगे तो उनको ये पता होगा कि संज्ञा में व्यक्ति का नाम भी हो सकता है, जगह का नाम भी हो सकता है ना। तो बेसिक फैक्ट्स क्या थे जब हम नोन टू अननोन की तरफ गए हैं, तो इसका जो आंसर है टू एस्टिमेट करेक्टली ये नहीं होगा। ठीक है, इसका आंसर टू एक्सप्लेन द बेसिक फैक्ट्स ये इसका आंसर होगा। अगला, अ लैंग्वेज कैन बी लर्न्ड इन द बेस्ट वे बाय, हम एक भाषा को किस तरीके से सबसे अच्छे से सीख सकते हैं, रीडिंग न्यूज़पेपर, रीडिंग टेक्स्ट बुक, रीडिंग हेल्पिंग बुक्स। ये इजी सा क्वेश्चन है, मेरे हिसाब से इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। Yes, it's quite easy, और ये बिल्कुल easy सा question है, मैंने दिया है। हाँ, तीनों चीज़ों को आप newspaper पढ़ के, टेक्स्ट बुक पढ़ के, हेल्पिंग बुक पढ़ के, तीनों चीज़ों से आप लैंग्वेज सीख सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा, टीचिंग प्रोफेशन हमें क्या प्रोवाइड कराता है कि अगर आप टीचर बनते हैं तो ये आपको क्या देगा, नॉलेज यानी कि जानकारी, ज्ञान, अपॉर्चुनिटी टू लर्न सीखने के लिए अवसर, सिक्योरिटी ऑफ जॉब एक जॉब सिक्योरिटी, एंड फोर्थ वन इज एक यूनिक रिस्पेक्ट। ज्योति मलिक मैम का आया है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ओके। एक का है सिक्योरिटी ऑफ जॉब, ओके। फिर आया है अपॉर्चुनिटी टू लर्न, ओके। डी प्रिया डबास, वेरी गुड, यू कैन क्लैप फॉर हर, इट्स यूनिक रिस्पेक्ट। अब देखिए बाकी क्यों नहीं होंगे, अपॉर्चुनिटी टू लर्न सीखने के लिए अवसर देना, आप टीचर बने या ना बने आप अपनी लाइफ में सीख ही रहे हैं। ठीक है, आप अपनी लाइफ में जो भी कर रहे हैं चाहे डायरेक्टली इनडायरेक्टली, हर इंसिडेंट आपको कुछ ना कुछ सीखने के लिए एक अवसर दे रहा है। इवन किसी का ब्रेकअप होता है, किसी की शादी टूटती है, कोई घर में खुशी आती, कुछ भी हो रहा है, जो भी हमारी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, हर चीज़ हमें एक सीख देती है। तो हमारी लाइफ में अपॉर्चुनिटी टू लर्न वो हमेशा रहेगी चाहे आप टीचर हो या ना हो। तो दूसरा था इस वजह से नहीं होगा, और थर्ड वन इज सिक्योरिटी ऑफ जॉब, ये क्यों नहीं होगा। अगर आप क्लर्क हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी ऑफ जॉब है, ठीक है, अगर आप आर्मी में हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी ऑफ जॉब है, मतलब किसी भी आप गवर्नमेंट सर्विस में है सिक्योरिटी ऑफ जॉब है। इवन टीचिंग के फील्ड में इतनी सिक्योरिटी ऑफ जॉब नहीं है कि आपको काफी रूल्स को फॉलो करते हुए चलना पड़ता है।
ठीक है, कि आप अपनी कलीग से कुछ फालतू बात नहीं करोगे, किसी बच्चे को गलत नज़र से नहीं देखोगे, कोई इंस्टीट्यूट में नहीं पढ़ाओगे, बहुत सारे रूल्स होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट जिनको हम कहते हैं। तो एक यूनिक रिस्पेक्ट है वो एक टीचिंग के प्रोफेशन में ही मिलती है। जैसे आज का इंसिडेंट, मेरे को एक रेड पेन बड़ा पसंद आया किसी बच्चे का, मैंने कहा कि मुझे भी ऐसे दो पेन ला कर दो। मैं उस बच्चे ने ले आया अपने घर से, नए पेन खरीद लिया, तो उसकी दादी माँ ने ये कहा कि अगर आपके टीचर आपको पैसे दे तो मत लेना, क्योंकि वो आपको पढ़ाते हैं। मैंने आधा घंटा उस लड़की के साथ बहस की कि बेटा पैसे ले लो नहीं तो मैं आपके पेन वापस कर दूंगा। उस लड़की ने पैसे नहीं लिए। कहती है कि जो हमें ज्ञान देता है हम उनसे पैसे कैसे ले सकते हैं। तो मुझे इतना अजीब लगा, दुख भी हुआ कि मैंने क्यों इससे पेन मंगाए। ठीक है, तो एक जो यूनिक रिस्पेक्ट है वो आपको टीचिंग की फील्ड में ही मिलेगी। समझ आई बात? आगे चले भाई, अब भी किसी को डाउट हो तो बता दो, मैं यही हूँ अभी एक्सप्लेन करने के लिए। कभी फिर बोलो कि सर ने हमें एक्सप्लेन नहीं किया था। चलिए फिर आ गया लोकेश मान का थंबनेल। चलो भाई आगे चलते हैं। हाँ, बिफोर टीचिंग न्यू लेसन इन अ क्लास द टीचर शुड, जब हम एक क्लास में कोई भी नया लेसन पढ़ाते हैं तो उससे पहले हमें क्या करना चाहिए? पहला, मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर द न्यू लेसन, हमें बच्चों को नए लेसन के लिए मोटिवेट करना चाहिए। सेकेंड वन, इंक्वायर अबाउट वेल बींग ऑफ स्टूडेंट्स, हमें उनकी हेल्थ के बारे में जानना चाहिए कि वो ठीक है कि नहीं। रिमूव प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर, हमें पिछले चैप्टर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करना चाहिए। टेल स्टूडेंट्स टू बी अटेंटिव, हमें स्टूडेंट्स को कहना चाहिए कि भाई तुम्हें अटेंटिव रहना, टेंशन में रहना है। तो बताइए भैया, इनमें से कौन सा बच्चा क्या इसका आंसर देना चाहेगा कि हम एज अ टीचर अगर हम लेसन प्लान पढ़ाने जा रहे हैं कोई भी तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? यस, इट्स ए, वी विल मोटिवेट स्टूडेंट्स फॉर द न्यू लेसन, है ना। अगर आप देखो, अगर आप रिमूव प्रॉब्लम्स फॉर प्रीवियस चैप्टर, अगर आप नहीं, अजय कुमार भाई मैं आपका बता रहा हूँ कि आप ये क्यों नहीं करोगे। देखो मैं बताता हूँ, रिमूव प्रॉब्लम्स ऑफ प्रीवियस चैप्टर, है ना, अगर आप पिछले चैप्टर की प्रॉब्लम्स को सोल्व करोगे तो आप वहाँ पे रेमेडियल टीचिंग दे रहे हैं, नया लेसन नहीं पढ़ा रहे हैं। समझ आई मेरी बात? से सुनना, हाँ, जो मैं बता रहा हूँ, जिन जिन लोगों को कन्फ्यूजन उनको समझ में आ जाएगा। नया लेसन पढ़ाने से पहले, है ना, आपने जो तैयारी की, आप क्या करोगे, अगर आप पिछले लेसन को तैयार करके उससे जुड़ी हुई प्रॉब्लम आप बच्चों को बता रहे हो तो मतलब आपने नया लेसन अभी बनाया ही नहीं है। समझो मेरी बात, अगर आप पूरा लेसन पढ़ा करके बच्चों से डिस्कस कर रहे हो, उनकी प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस कर रहे हो, तो आप वहाँ पे रेमेडियल टीचिंग दे रहे हो। समझ आई? रेमेडियल टीचिंग आप वहाँ पे दे रहे हो कि आपको लेसन प्लान में कहाँ कमी आई है, तो मतलब आप अभी नए लेसन के ऊपर नहीं गए हो, है ना। पर जब आप नए लेसन के ऊपर जाते हो तो आप मोटिवेट करते हो कि इस लेसन में हम ये चीज़ सीखने वाले हैं। समझ आई? तो इसलिए आपका जो आंसर थर्ड है वो नहीं होगा। अजय कुमार भाई और ये हुस्ना बानो मैम, आप दोनों ने मेरे हिसाब से आंसर सी दिया था, तो अब मे भी आपको पता होगा कि आपका आंसर क्यों नहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, बाकी को समझ में आ गया होगा, तो चले फिर आगे चलते हैं। Who would be more successful in attaining education? इनमें से कौन सा बच्चा ज्यादा सक्सेसफुल होगा? क्यूरियस स्टूडेंट यानी जिज्ञासु प्रवृत्ति का जो विद्यार्थी है वो, इंटेलिजेंट स्टूडेंट बुद्धिमान विद्यार्थी, सिंसियर स्टूडेंट जो बड़ा सिंसियर रहता है भाई, Who is taught by learned teacher, यानी वो बच्चा जो एक सीखे हुए अध्यापक द्वारा पढ़ाया गया है। स्वीटी शर्मा ए, लोकेश मान ए, सोनिया वत्स ए, ज्योतिराज ए, भाई सबका आंसर ठीक है। क्यूरियस स्टूडेंट, देखो अब यहाँ पे सबका दिमाग चल गया, अब यहाँ पे लगता है मुझे सबने बैठे बैठे मिंटोस खा ली। मिंटोस मतलब दिमाग की बत्ती जला दे। जब मैं उस दिन कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले मैंने चिल्ला चिल्ला के बताया कि भाई एजुकेशन वो है जहाँ पे बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस करे, भाई वो है जो एक्सप्रेस करे वहाँ, वो एजुकेशन वो है जहाँ पे बच्चा एक्सप्रेस करे। फिर भी लोग कह रहे हैं कि सर आंसर आएगा टू मेक हिम अ गुड ह्यूमन बींग, कैसे आएगा, है ना। अब मिंटोस सबने खा ली, अब दिमाग की बत्ती जल गई है, अब कह रहे सर जो क्यूरियस स्टूडेंट है ना वो इसका आंसर होगा। आंसर ठीक है, पर क्यूरियस स्टूडेंट का मतलब क्या हुआ? जिज्ञासु प्रवृत्ति का विद्यार्थी, और जिज्ञासु मतलब जो अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है या करना चाहता है। जिज्ञासा का मतलब यही तो होता है ना, कि आप
आपके मन में कुछ क्वेश्चन उठ रहा है, आप पूछ रहे हो कि हम नाखून क्यों काटते हैं, ये हवा क्यों चलती है, हवा दिखाई क्यों नहीं देती है, सूरज कहाँ से निकलता है, सूरज के अंदर घर क्यों नहीं बनते। तो ये सारी चीज़ें क्यूरियोसिटी है, बच्चा अपने आप को एक्सप्रेस कर रहा है और जहाँ एक्सप्रेस कर रहा है वही हमारी एजुकेशन का उद्देश्य है। समझ आई? अब इस मेंटोस को थोड़ी देर के लिए दिमाग में रखना, चलो आगे चलते हैं। द स्कूल वेयर टीचर्स ऑफ ब्लाइंड स्टूडेंट्स आर ट्रेन्ड इज लोकेटेड एट, ये आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी में भी आ जाता है, जीके में भी आ जाता है। यानी कि यहाँ पे एक वो इंस्टीट्यूट है बहुत बड़ा जहाँ पे जो ब्लाइंड पर्सन होते हैं, जो देख नहीं पाते, उनको ट्रेंड किया जाता है। ये भारत का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो वो कहाँ पर है? यस, इट्स इन देहरादून। ठीक है, बहुत बढ़िया, देहरादून में है ये। तो इसमें मेरे सबसे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, देहरादून में है ये। चलिए आगे चलते हैं। एन एडमायरेबल टीचर इज वन हु, यानी कि एक प्रशंसा करने योग्य टीचर वो है जिसकी हम तारीफ करें, जो गिव गुड मार्क्स टू स्टूडेंट्स, यानी कि वो टीचर जो बच्चों को अच्छे मार्क्स देता है खुले कि भाई मेरे कौन से घर के हैं, मार्क्स ले ले तू। सेकंड, इंस्पायर स्टूडेंट्स टू रीड मोर एंड मोर, बच्चों को प्रेरित करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो। थर्ड वन इज टेक्स इंटरेस्ट इन प्रोग्रेस ऑफ स्टूडेंट्स, यानी बच्चों की प्रोग्रेस में इंटरेस्ट लेता है। और फोर्थ, बिहेव जनरसली विद द स्टूडेंट्स। इट्स सी, यस इट्स सी। अब यहाँ पे सेकंड वाला, जो बच्चे बार बार बी 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 बोल रहे हैं, उनका क्यों नहीं होगा वो सुन लो पहले। तो इंस्पायर स्टूडेंट्स टू रीड मोर एंड मोर, आपको पता हो कि एक होता है रीड, एक होता है स्टडी, समझ आई, और एक होता है लर्न, है ना। स्टडी आप स्कूल में करते हो, वो करिकुलर भी हो सकती है, एक्स्ट्रा को करिकुलर भी हो सकती है। रीड जब सिर्फ आप बुक ही पढ़ रहे होंगे या कोई भी रिटर्न में कोई चीज़ पढ़ रहे होंगे, है ना। और लर्न वो कुछ भी हो सकता है, इट कुड बी फॉर्मल इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो यहाँ पे लिखा है रीड, एक टीचर बच्चों को क्या कहेगा कि पढ़ो, किताबें पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो, ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़ो। इस रीड को लर्निंग से कोरिलेट मत करो, ठीक है। यहाँ पे रीड लिखा हुआ है तो रीड को किताबों तक सीमित रखो कि किताब या न्यूज़पेपर या मैगजीन्स पढ़ने के लिए कहो, बट नहीं, जब आप ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करोगे तो आप रीड नहीं लोगे। देख फोर्थ क्यों नहीं होगा, अगर आप सब बच्चों से एक जैसा बिहेव करते हैं, ठीक है, इट्स गुड। आप बिहेवियर कर रहे हैं, आप सब बच्चों से समान व्यवहार कर रहे हैं, आप सबको एक तरीके से ट्रीट कर रहे हैं, पर आउटकम क्या, आउटकम क्या, वहाँ पे आप टीचर कैसे हुए। अब मेरी बात को समझना, जब हम दो चीज़ों को कंपेयर करेंगे, आप एक थर्ड वाले ऑप्शन को कंपेयर करो, एक फोर्थ वाले को करो, आप सभी स्टूडेंट से एक जैसा बिहेव कर रहे हो, इट्स गुड, ठीक है। पर वहाँ पे आप एज अ टीचर, एज अ फैसिलिटेटर कैसे हुए, आपने क्या सिखाया, क्या बच्चों ने लर्न किया, कहाँ आप इंटरेस्ट दे रहे हो जहाँ पे बच्चों का फायदा हो। समझ आ रही है? अगर आप एज अ टीचर सबके साथ एक जैसा बिहेव कर रहे हो तो वहाँ पे स्टूडेंट्स को क्या मिला, कुछ नहीं। पर अगर आप उनकी प्रोग्रेस में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, ठीक है, वो क्या सीख रहे हैं, क्या उन्होंने सीखा है, क्या उनमें कमी है, उसको और कैसे बेहतर किया जा सकता है, तो इवन आपका स्कूल, आपके बच्चे और उनके पेरेंट्स सभी आपको अप्रिशिएट करेंगे। समझ आई? अब एक टीचर सब बच्चों के साथ व्यवहार तो समान करेगा, ठीक करेगा, बिना भेदभाव के करेगा, पर वो कुछ पढ़ाएगा नहीं या बच्चों में की जो प्रोग्रेस है उसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा कि बच्चा कौन सीख रहा है, कौन नहीं सीख रहा है, है ना, किसमें क्या कमियां हैं, किसके मार्क्स कम आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं। तो वहाँ पे आउटपुट क्या हुआ आपका टीचर होने का, मुझे ये समझा दो। नहीं आई ना समझ में? तो इसीलिए आपका लॉजिक बिल्कुल ठीक है कि सर डी क्यों नहीं होगा, यहाँ पे डी हो सकता था, पर अगर यहाँ पर जो आंसर नंबर, जो ऑप्शन नंबर 3 है, अगर वो नहीं होता तो। समझ आई?
अगर ये ऑप्शन नंबर यहाँ पे 3 नहीं होता तो आपका आंसर डेफिनेटली यहाँ पे डी होता। पर जब आप दो एक जैसे ऑप्शंस को कंपेयर करते हो तो आप देखते हो स्टूडेंट्स के हित में कौन सा ज्यादा रिलेवेंट होगा, समझ आई, जहाँ पे बच्चों को ज्यादा फायदा होगा तो तभी टीचर को अप्रिशिएट किया जाएगा, समझ आई। तो इसीलिए जो ये आंसर है यहाँ पे थर्ड होगा। भाई समझ आ गई तो बता दो, फिर मैं आगे चलता हूँ, नहीं आई तो मैं दोबारा बता देता हूँ। आ गई, हो गई यार, इतना तो बेकार नहीं पढ़ाया मैंने। यस, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इनकल्केट्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज अमंग द स्टूडेंट्स। डेमोक्रेटिक वैल्यूज स्टूडेंट्स में इनमें से कौन सी चीज डालेगी, बुक्स, प्लेग्राउंड, एनुअल फंक्शन, मॉर्निंग असेंबली। अब डेमोक्रेटिक वैल्यूज वही समझ लो यार। नहीं नहीं स्वीटी शर्मा, मॉर्निंग असेंबली नहीं होगा यहाँ पे। हाँ, डेमोक्रेसी मतलब भाई शुरू से सीखते आए हैं, छठी क्लास से, जब सिक्स्थ में थे सब तब से टीचर बताते रहते थे, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, लोगों का शासन लोकतंत्र कहलाता है ना। तो यहाँ पे प्लेग्राउंड में क्या होगा, लोगों के साथ, लोगों के लिए, समझ आई, इट्स प्लेग्राउंड एक्चुअली, है ना, प्लेग्राउंड होगा। जब हम लोगों के साथ खेलते हैं, लोगों के लिए खेलते हैं, और जहां पे मतलब सहभागिता दिखाई देती है, डेमोक्रेसी को इन शॉर्ट में आप सहभागिता कह सकते हैं, जहां पे सब मिलकर के कोई काम कर रहे होते हैं, है ना। तो प्लेग्राउंड में हम कोऑपरेट करते हैं, सहयोग करते हैं, लोग आपस में मिलजुल करके खेलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे प्लेग्राउंड होगा। अब देखिए मॉर्निंग असेंबली यहाँ पे क्यों नहीं होगा वो भी सुन लो। मॉर्निंग असेंबली इंडिया के अंदर एक फॉर्मेलिटी की तरह बन के रह गया है। ऑल्दो मैं केवीएस का उदाहरण आपको लूं कि वहाँ पे हर बच्चा रोज शपथ खाएगा, ठीक है, हम सब भारतवासी भाई बहन हैं, है ना, मैं सबको आदर करूंगा, पर किसी को प्लेज जबरदस्ती खिलाना और उसको अप्लाई करना दोनों अलग अलग चीजें हैं, समझ आई। तो ऑल्दो असेंबली में डेमोक्रेसी सिखाई जाती है, लोगों के साथ सहभागिता सिखाई जाती है, पर उनकी मर्जी से नहीं, वो उनके ऊपर थोपी जाती है। अब रोज बच्चे असेंबली में प्लेज खाते हैं, रोज बच्चे उस प्लेज को तोड़ते हैं, असल में उनको प्लेज का मतलब ही नहीं पता हो कि वो खा क्या रहे हैं और किसके लिए खा रहे हैं, उनके लिए तो बस एक रूटीन प्रोसेस है जिसका कोई आउटपुट नहीं है, समझ आई। तो इसलिए यहाँ पे जो आंसर होगा वो प्लेग्राउंड होगा। चलिए आगे, हाउ विल यू बिहेव व्हेन यू मीट स्टूडेंट्स आउट ऑफ द क्लास। जब आपने स्टूडेंट्स को क्लास के बाहर मिलोगे, क्लास के बाहर इन द सेंस की स्कूल के बाहर, शाम को जब कहीं घूमने गए तो आपको वहां पे आपको स्टूडेंट मिल गया, तो आप कैसे बिहेव करोगे। बिहेव वेरी सीरियसली, बिहेव वेरी जेंटली, बिहेव वेरी फ्रेंडली और इग्नोर देम। आप बड़े सीरियस होकर बात करोगे, आप जेंटली मतलब शिष्टाचार से उसके साथ व्यवहार करोगे, बड़े दोस्त बन के उसके साथ व्यवहार करोगे या उसको इग्नोर मार दोगे। इसका आंसर बी होगा, नहीं नहीं सी नहीं होगा, यहाँ पे आंसर आपका बी होगा। जेंटली, जेंटली मतलब शिष्टाचार के साथ, एक शिष्टाचार के साथ, ठीक है। क्योंकि जब आप एज अ टीचर जब आप पहचान लेकर चलते हो सोसाइटी में, तो जब आप सोसाइटी में किसी बच्चों से मिलते हैं तो वहाँ पे आप अपनी शिष्टाचार को दिखाते हो कि आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़। हाँ मैं बता रहा हूँ, देखो कन्फ्यूज नहीं होना, मैं सेकंड और थर्ड की कन्फ्यूजन ही दूर कर रहा हूँ, सुन लो एक मिनट के लिए, बीच में टोकोगे तो मैं कैसे बताऊँगा, है ना। मैं बता रहा हूँ, देखो जब हम क्लासरूम के बाहर यानी कि सोसाइटी में, जब हम सोसाइटी में एक पहचान लेके चलते हैं कि भाई वो आदमी टीचर है, ही इज अ टीचर, ठीक है। अगर आप टीचर हैं तो आपकी पर्सनैलिटी में वो चीज़ झलकनी चाहिए कि भाई आप टीचर हैं, ठीक है। तो आप कैसे व्यवहार करोगे, जैसे एक टीचर करता है, शिष्टाचार के साथ, समझ आई, शिष्टाचार के साथ, कि एक प्रॉपर डिस्टेंस भी रहेगी पर आवाज़ में एक पोलाइटनेस रहेगी, संयम रहेगा, नियंत्रण रहेगा, डिसिप्लिन रहेगा, समझ आई। पर
अगर आपने उससे फ्रेंडली बात की, अगर आपने उससे फ्रेंडली बात की तो सोसाइटी में आपको गलत समझा जा सकता है। अगर आप अपने बच्चे से, किसी कोई सिक्स्थ का है या एट्थ का है, आप उससे बात करो, ओए इधर आ, ओए कहाँ घूम रहा है वे तू, इधर क्या लेने आया है तू, है ना, ओए पागल यहाँ पे आ, तो ऐसे जब आप बात करोगे, ऑल्दो ये एक फ्रेंडली नेचर है बात करने का, पर वो आपकी इमेज को गिराएगा, है ना। तो एज अ टीचर आपको जेंटली बिहेव करना है कि उसमें पोलाइटनेस लगे, प्यार लगे, बट एक डिस्टेंस भी लगे, समझ आई। तो फ्रेंडली यहाँ पे आप नहीं होंगे। अच्छा, द क्वालिटी ऑफ गुड साइंस टेक्स्ट बुक इज, साइंस की टेक्स्ट बुक की सबसे अच्छी क्वालिटी क्या है। कंटेंट अनऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड होना चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर्स होनी चाहिए, कॉस्टली होना चाहिए। बी, ये प्रिया डबास मेरे को लग रहा है ना आज ये खा के आई है बादाम। लोकेश मान और प्रिया डबास, अभी तक ये दो आंसर सही आए हैं मेरे पास, इट्स बी, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड। अब यहाँ पे लेटेस्ट इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड क्यों होना चाहिए, मैं वो भी बता देता हूँ। ये आंसर क्यों होगा, वो इसलिए होगा, वो इसलिए होगा कि साइंस के एक फील्ड में, साइंस और मैथ ऐसे हैं जो रटे रटाए नहीं चलते, उनमें इन्वेंशन होते रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं, है ना। जो SST है, आप बाखड़ा नांगल बांध जहाँ पे है वो तो वही रहेगा, अरावली पर्वत श्रृंखला जहाँ पे है वो वही रहेगी, एडीज पर्वत जहाँ है वो वही रहेगा, बट मैथ्स में, साइंस में इन चीज़ों को पढ़ाने का, समझने का तरीका बदलता रहता है, है ना। जब 1986 की पॉलिसी आई थी और फिर 1992 की पॉलिसी आई थी, तो उसमें एजुकेशन को चेंज कर दिया गया। वहाँ पे साइंस को पहली बार डेली लाइफ से रिलेट करके पढ़ाने के लिए बोला गया, फिर NCF में ये बात बोली गई। तो जब हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करते हैं, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन इंक्लूड करने का मतलब ये है कि उस टॉपिक को पढ़ाने के लिए लेटेस्ट क्या हमारे पास ऐसी टेक्निक या कोई स्ट्रेटजीज आई है, या कोई ऐसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, कोई लेटेस्ट चीज़ हमारे पास आई है जो पढ़ाने लायक है, समझ आई। तो साइंस की टेक्स्ट बुक में वो चीज़ झलकनी चाहिए। इसीलिए जो आपका आंसर है वो बी होगा। और किसी को कन्फ्यूजन है कि सर हमें ये होना चाहिए या वो होना चाहिए, तो कोई अगर पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, मे बी, और कोई ये जो ऑप्शंस है बाकी के तीन, इनमें कुछ ऐसा कुछ खास नहीं है जहाँ पे आप कन्फ्यूज होंगे। आई होप आप सबको पता चल गया होगा कि इसका आंसर बी होगा। आप देख लो, आप MA के स्टूडेंट है तो आई टीच, मैं MA के बच्चों को पढ़ाता हूँ, BA के बच्चों को पढ़ाता हूँ, ठीक है। आप सभी BA कर रहे होंगे, BCom BSc कर रहे होंगे, तो अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो यही समझ लो कि मैं आपको ही पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजी कंसर्न विद वेरियस टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटीज, साइकोसिस एंड न्यूरोसिस इज ब्रांच ऑफ। सी 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 सी, सबका आंसर सी। अच्छा, इट्स बी, अप्लाइड साइंस, अप्लाइड साइकोलॉजी, इट्स नॉट सी, इट्स बी, अप्लाइड साइकोलॉजी। अब एक बात यहाँ पे समझ लो आप, वो ये कि जब आप किसी बीमारी या किसी एबनॉर्मलिटी के बारे में रिसर्च करते हो, पढ़ते हो, है ना, उसको ठीक करने के लिए कोई तरीका ढूंढते हो, तो यू आर यूजिंग अप्लाइड साइंसेज या अप्लाइड साइकोलॉजी। पर जब आप उसको क्लिनिकली, है ना, क्लिनिक में एज अ डॉक्टर उसको ट्रीट करोगे, उसको ठीक करोगे, उसको प्रॉपर मेडिसिन दोगे, टेक केयर करोगे, वहाँ पर आप यूज़ करोगे क्लिनिकल साइकोलॉजी, समझ आई। अगर आपको डायग्नोज करना है किसी के बिहेवियर में क्या डिसऑर्डर है, तो डायग्नोज करने की जो प्रोसेस होगी, देन यू आर यूजिंग अप्लाइड साइकोलॉजी, ठीक है।
और जब आप उसको ठीक करोगे, काउंसलिंग करोगे, मेडिसिन दोगे, तब आप वहाँ पे यूज़ कर रहे हैं क्लिनिकल साइकोलॉजी। ठीक है, तो ये एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में कंसर्न की बात कर रहा है कि सिर्फ आप उस चीज़ को पढ़ते हैं, विचार करते हैं, तो यहाँ पे जो आंसर है वो अप्लाइड साइकोलॉजी होगा, क्लिनिकल नहीं होगा। अगर यहाँ पे आता कि कोई पर्सन इस बीमारी से गुजर रहा है ना, जैसे मान लो उसको कैथरेसिस की प्रॉब्लम है या एंग्जाइटी से गुजर रहा है, मूड स्विंग होता है ना, उसको ठीक करने के लिए आप कौन साइकोलॉजी अप्लाई करोगे, देन यू विल यूज क्लिनिकल साइकोलॉजी। ओके, नंबर ऑफ टेम्परेरी टीथ इन चिल्ड्रन इज, बच्चों में जो टेम्परेरी दांत होते हैं जो टूट जाते हैं वो कितने होते हैं? 10, 32, 20, 18, इंग्लिश में 10, 32, 20, 18। वाह भाई वाह, ऐसा लगता है सबके दांत टूटे हुए हैं यहाँ पे। 20, बिल्कुल सही जवाब। 20, जो टेम्परेरी टीथ होते हैं वो 20 होते हैं, नहीं 20 होते हैं। द ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड मसल्स अफेक्ट्स, हड्डियों की और मांसपेशियों की में जो वृद्धि होती है वो अफेक्ट करेगी बॉडी प्रोपोर्शंस को, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस को, मेंटल प्रोसेस को, साइकोलॉजिकल प्रोसेस को। यस, बॉडी प्रोपोर्शंस, ठीक है, शारीरिक अनुपात को वो अफेक्ट करेगी। ठीक है, इसमें और बाकी तो कुछ ऐसा ऑप्शन ही नहीं है कि जहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएं। नहीं अजय कुमार भाई, इंटेलेक्चुअल तो आएगा ही नहीं, इंटेलेक्चुअल तो मतलब आपका बुद्धि से संबंधित हो गया ना, बट बात ही जब बोन्स और मसल्स की हो रही है तो आपकी हड्डी बढ़ जाए या आपकी मांसपेशियां बढ़ जाए तो उसका संबंध आपकी इंटेलिजेंस से कैसे होगा? नहीं होगा ना, तो इसलिए यहाँ पे आंसर ये बॉडी प्रोपोर्शंस आएगा। और ये बाकी तीन ऐसे कोई खास ऑप्शंस नहीं है जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ कि आपका आंसर ठीक नहीं है। अच्छा, अ चाइल्ड बिकम्स मार्केटली इंटरेस्टेड इन ऑल फॉर्म्स ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज इन फैंसी स्टेज, लेट चाइल्डहुड स्टेज, एडोलेसेंस स्टेज, एडल्टहुड स्टेज। हर तरह की फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटीज में बच्चा कब इंटरेस्टेड हो जाता है? इन्फेंसी स्टेज में, लेट चाइल्डहुड में, एडोलेसेंस में, एडल्टहुड स्टेज में। यस, इट्स एडोलेसेंस, इट्स एडोलेसेंस। एडोलेसेंस के अंदर बच्चे में इतनी क्या कहते हैं उसको, एनर्जी होती है। ठीक है, हमारे जो देश के बड़े बड़े कलाकार हो गए, मॉडल्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, राइटर हो गए, है ना, डांसर्स हो गए, वो वहीं से निकल करके आते हैं, है ना। तो अगर उनमें एनर्जी है, वो सही वे में जा रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं क्योंकि वहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सब ग्रुप, सब टाइप की ग्रुप एक्टिविटीज़ में भाग लेने की जो आदत है ये एडोलेसेंस में होती है। चलिए, एबिलिटी टू टर्न बॉडी बाय रोलिंग एंड सिटिंग अप इज अ मोटर डेवलपमेंट इन रीजन ऑन। देखते हैं कितने बच्चे इसका सही जवाब देते हैं। इट्स ट्रंक, यस इट्स ट्रंक, यस ट्रंक आएगा इसका आंसर। तो आज कितना टाइम हो गया भाई, 1 घंटा, तो 1 घंटे का सेशन होता है। नहीं, इट्स ट्रंक। उसने मानो मैम, आप लोग इस लेक्चर को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को प्लीज़ बोल दीजिए, क्योंकि मैं भी हो सकता है मैं सेशन बंद कर दूँ, क्योंकि जैसे कि मैंने टाइम निकाल के कोशिश की थी कि जो आउटपुट आना चाहिए था वो नहीं आया उस रेशियो में, सो आई एम क्वाइट डिसअपॉइंटेड। सो आप लेक्चर का प्लीज़ मुझे फीडबैक पहले दे दीजिए कि आज का लेक्चर आपको कैसा लगा, आपके लिए ये हेल्पफुल रहा कि नहीं रहा। ठीक है।
پہلے مجھے یہ بتا دیجیے سارے بچے، آج کا لیکچر آپ لوگوں کو کیسا لگا تھا؟ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ جلدی سے جلدی شیئر کریے، لوگوں کو بتائیے. ہاں تو لوگوں کو بتائیے، زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی کوشش کریے. اور لوگ ایسا رہا کیونکہ طبیعت بھی خراب چل رہی ہے. اور تو کل ملیں گے 5 بجے، ٹھیک ہے؟ روز 5 بجے لائیو سیشن ہوتا ہے، ہم کل پھر پڑھیں گے. ہاں میں ڈیلی سیشن کراتا ہوں 5 بجے، ابھی طبیعت خراب ہے. اگر طبیعت زیادہ خراب ہوتی ہے تو میں ڈال دیتا ہوں نوٹیفیکیشن میں کہ آج میں نہیں کر پاؤں گا، ٹھیک ہے؟ پر آپ کوشش کریے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو جوڑنے کی، ادروائز کیونکہ ٹائم کی شارٹیج ہوتی ہے تو مے بی پھر میں لائیو نہ لے پاؤں تو پرابلم ہوگی ایسے نا. تو چلیے پھر کل ملتے ہیں، کل 5 بجے پکا ملیں گے، ٹھیک ہے؟ چلیے.